हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग फंडामेंटल का एक टॉपिक बेड बाथ। आज हम नर्सिंग फंडामेंटल के इस टॉपिक बेड बाथ के अंदर पढ़ने वाले हैं कि बेड बाथ क्यों दी जाती है, इसकी क्या पर्पज है, इसके लिए हम क्लाइंट को क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इसकी प्रोसीजर क्या क्या है और इससे हाइजीन कैसे मेंटेन होती है, पेशेंट की केयर कैसे होती है, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेड बाथ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें आएगा बेड बाथ मीन्स बाथिंग अ क्लाइंट हु इज़ कन्फाइंड टू बेड एंड ऑल्सो डज नॉट हैव द फिज़िकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी टू सेल्फ बाथिंग। मतलब ऐसे पेशेंट जो खुद से बेड से नहीं उठ सकते, जिनकी फिज़िकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी कम होती है या नहीं होती, उन्हें हम बेड बाथ देते हैं। जैसे कि बेड रिडन क्लाइंट हो गए, कोमा वाले पेशेंट्स हो गए, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिन जो फिज़िकली इनएक्टिव है या मेंटली इनएक्टिव है, वैसे पेशेंट को हम बेड बाथ देते हैं। इसके पर्पज़ क्या होते हैं? टू क्लीन द बॉडी ऑफ डर्ट एंड बैक्टीरिया। बॉडी के जो बैक्टीरिया है उनको क्लीन करने के लिए, धूल मिट्टी को क्लीन करने के लिए। टू प्रिवेंट बेड सोर, मतलब बेड सोर से बचाने के लिए, ताकि बेड सोर ना हो पेशेंट को। पड़े पड़े अगर पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम तक बेड पर पड़ा रहेगा या लेटा रहेगा तो उससे बेड सोर होने की संभावना रहती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम बेड बाथ करवाते हैं। टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, इससे बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो स्टिमुलेट होता है। टू इंड्यूस स्लीप, इससे नींद अच्छी आती है पेशेंट को। टू रिलीव फैटिक, और ये जो होती है वो थकान को दूर करता है। टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है। टू प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, ये एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज को प्रोवाइड करता है। टू इस्टेब्लिश एन इफेक्टिव नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, ये नर्स और क्लाइंट के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। इसके बाद हम बेड बाथ के जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि बेड बाथ क्यों दी जाती है, मेंटेन बेड बाथ कैसे दी जाती है, देने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ये सब। तो सबसे पहले हम बोलते हैं मेंटेन प्राइवेसी, ये पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए हम उसे बेड बाथ देंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू विन द कॉन्फिडेंस एंड द कोऑपरेशन ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट को जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हम उसके कॉन्फिडेंस को जीत सकें और वो हमारे साथ कोऑपरेट कर सके, ताकि हम उसे अच्छे से बेड बाथ प्रोवाइड कर सके। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले और बाद में हमें हैंड वॉश करने चाहिए। ऑल आर्टिकल्स यूज इन बेड बाथ शुड बाई एब्सोल्यूटली क्लीन, जितने भी आर्टिकल्स बेड बाथ के अंदर हम यूज़ करते हैं वो क्लीन होने चाहिए। क्लाइंट अंटिल शुड बी वॉर्म एंड फ्री ऑफ ड्राफ्ट, क्लाइंट होगा वो शुड बी वॉर्म एंड फ्री ऑफ ड्राफ्ट, मतलब क्लाइंट को हम वॉर्म करेंगे, मतलब हम गर्म कपड़ा या कोई ब्लैंकेट उड़ाएंगे उसे। और ऑल नीडेड इक्विपमेंट शुड बी एट हैंड एंड कॉन्वेंशली प्लेस्ड बिफोर बिगनिंग द प्रोसीजर हैज़ बिन कम्प्लीटेड। जितने भी इक्विपमेंट हैं जो कि हम हमें यूज़ करने होते हैं इस दौरान, उसे हम प्रोसीजर से पहले कम्प्लीटली अपने पास रखेंगे। ओनली स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी शुड बी एक्सपोज एंड बाथड एट अ टाइम, एक टाइम में बॉडी का छोटा सा एरिया या थोड़ा सा एरिया थोड़ा थोड़ा करके ही हम क्लीन करेंगे। कट शॉर्ट द नेल्स इफ़ दे आर लॉन्ग, अगर हाथ के जो नाखून हैं या पैरों के जो नेल्स हैं वो अगर बड़े हुए हैं, अगर उनमें वो इन्फेक्टेड है, तो उनको हम कट करेंगे नेल कटर से। ऑल द स्किन सरफेस शुड बी इंड्यूस्ड इन द बाथिंग प्रोसेस, जितनी भी स्किन की सरफेस होती है उसे हम क्लीन करेंगे। द स्पेशल केयर इन क्लीनिंग एंड ड्राइंग द क्रीज एंड फोल्ड, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर क्रीज होते हैं या फोल्ड्स होते हैं उन सबको भी हम क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे। एंड द बोनी प्रोमिनेंस ETC, और जो बोनी प्रोमिनेंस है उसे भी, जैसे हमारे हैंड
मान लो हमारे हैंड्स या उंगलियों के बीच में जो स्पेस होता है, या पैरों की उंगलियों के बीच में स्पेस होता है, या ग्रोइन एरिया होता है, या पेरिनियम एरिया होता है, उसे हमें अच्छे से क्लीन और ड्राई करना चाहिए हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। क्लीनिंग इज़ डन फ्रॉम द क्लाइंट क्लीनेस्ट एरिया टू द लेस क्लीन एरिया। क्लीनिंग हमें क्लीनेस्ट एरिया से लेस क्लीन एरिया की तरफ करनी चाहिए, मतलब अपर टू लोअर पार्ट या अपर बॉडी टू लोअर बॉडी की साइड हमें क्लीनिंग करनी चाहिए। स्पेशल अटेंशन इज़ गिवन टू एक्सिलरी एंड ग्रोइन एरिया, मतलब हमें स्पेशली एक्सिलरी और ग्रोइन एरिया को हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए और ड्राई करना चाहिए। उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो इन्फेक्शन को बढ़ावा देगा, जिससे कि बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके बाद में हम जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्लीनिंग इज़ डन फ्रॉम द क्लीनेस्ट एरिया टू द लेस क्लीन एरिया के अंदर हम एग्ज़ाम्पल देंगे कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी वुड बी बाथड बिफोर द लोअर पार्ट, कि बॉडी का जो अपर पार्ट है उसको हम पहले वॉश करेंगे लोअर पार्ट को वॉश करने से पहले। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी एडजस्ट फॉर द कम्फर्ट ऑफ द क्लाइंट। जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो पेशेंट की बॉडी या पेशेंट की बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर वाटर होगा तो वो उसकी बॉडी को इरिटेट नहीं करेगा, कुछ भी रैशेज वगैरह नहीं होंगे एक्सेट्रा। यूज़ ओनली सोप विद कंटेन लेस एल्कलाइन, ऐसी सोप या साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कि कम एल्कलाई, मतलब जो कम क्षारीय हो। यूज़ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पिरिट, मतलब थोड़ी मात्रा हम स्पिरिट का यूज़ करेंगे इन बैक केयर, जो हमारी पीठ है, हमारी बैक है, उसकी केयर के लिए हम थोड़ी मात्रा में हम स्पिरिट का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पिरिट के अंदर एक गुण होता है रैपिड इवापोरेशन का। रैपिड इवापोरेशन जब होगा तो वो जो एरिया होता है वो कूल भी होगा, यानी कि उसमें ठंडक महसूस होगी और वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा रैपिडली इवापोरेट होने के कारण स्पिरिट के। दूसरा हम क्या यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हमने पढ़ी इसकी डेफिनेशन, दूसरी बात हमने पढ़ी इसके पर्पज क्या है, तीसरा हमने पढ़ा कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है इसके लिए, चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं वो है आर्टिकल्स। तो इसके अंदर हम जो आर्टिकल्स यूज करते हैं वो है बाथ बेसिन, उसके बाद स्मॉल बॉल, सोप विद सोप डिश, वॉश क्लोथ्स, फेस टॉवल, बाथ ब्लैंकेट एंड शीट्स, सीजर्स एंड नेल कटर्स, कॉम्ब एंड ऑयल, किडनी ट्रे, जग्स, बकेट एंड क्लीन लिनन। प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट एंड यूनिट, अब हम बेड बाथ देने से पहले क्लाइंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसे मतलब प्रिपेयर करेंगे हर चीज़ के लिए, जिससे कि वो हमारे साथ कंफर्ट हो और हमें कॉपरेट करे। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर टू द क्लाइंट एंड एक्सप्लेन हाउ द क्लाइंट कैन असिस्ट यू। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर, क्या केयर देने वाले हैं, उसे हमें क्लाइंट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि वो हमारे साथ कॉपरेट कर सके और हम उसे अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकें। दूसरा है मूव द अननेसेसरी आइटम फ्रॉम द वर्क एरिया, जितने भी अननेसेसरी आइटम हैं, जो अनयूजफुल आइटम हैं, जो उस एरिया के अंदर पड़े हैं, उस यूनिट के अंदर पड़े हैं, उन्हें हमें साइड कर देना चाहिए, उस एरिया में से हटा देना चाहिए, ताकि वो हमारे प्रोसीजर के दौरान हमें डाइवर्ट ना करे या प्रोसीजर के दौरान हमसे मिस्टेक ना हो जाए। इसके लिए एडजस्ट द हाइट ऑफ द बेड टू द कंफर्टेबल वर्किंग ऑफ द नर्स। बेड की जो हाइट है उसे हम एडजस्ट करेंगे कंफर्टेबल वर्किंग ऑफ द नर्स, जिससे कि पेशेंट और नर्स पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो और नर्स अपना वर्क अच्छे से कर पाए। इसके लिए हम बेड की जो हाइट है उसे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। चेक द रूम टेम्परेचर एंड वॉर्म इफ़ नेसेसरी। रूम का जो टेम्परेचर है वो वॉर्म होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। फ़ैन वगैरह बंद कर देने चाहिए, वेंटिलेशंस कर्टन्स लगा के हमें खिड़कियां दरवाजे बंद कर देने चाहिए,
प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए और थोड़ा सा कूलिंग एरिया होना चाहिए, जिससे कि जितना कि नेसेसरी हो। तो अगला पॉइंट हम वैसे ही पढ़ेंगे, क्लोज़ द विंडो इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो हम विंडो को क्लोज़ कर देंगे। एंड पुट ऑफ द फैन टू प्रिवेंट ड्राफ्ट, मतलब और फैन को ऑफ कर देंगे टू प्रिवेंट ड्राफ्ट, ड्राफ्ट से प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर हम पढ़ेंगे वॉश हैंड्स, अपने हाथों को वॉश करें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। मिक्स हॉट एंड कोल्ड वाटर इन द बेसिन, चेक द टेम्परेचर ऑन द बैक ऑफ द हैंड। बेसिन के अंदर हमें हॉट यानी कि गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करना चाहिए, मिक्स कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमारे हैंड का जो पिछला पोर्शन है, हैंड का जो पिछला पोर्शन यानी कि ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम पानी के अंदर रख के ऐसे और चेक करेंगे पानी का टेम्परेचर। प्लेस द टॉवल अंडर द चिन, मतलब अपनी चिन के नीचे या पेशेंट की चिन के नीचे, सॉरी पेशेंट की चिन के नीचे एक टॉवल को प्लेस करेंगे, रखेंगे। टेक अ वॉश क्लोथ, वेट इट, स्क्वीज द एक्सेसिव वाटर, मेक अ मिटन। एक वॉश क्लोथ लेंगे, मतलब एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेंगे, उसे गीला करेंगे और उसमें से एक्सेसिव वाटर है वो निकाल देंगे और उससे हम क्लीन करेंगे पेशेंट की बॉडी को। अप्लाई सोप ऑन इट एंड क्लीन द फेस, जो सोप है उसको अप्लाई करेंगे और क्लीन द फेस, पेशेंट के फेस को क्लीन करेंगे, ईयर्स को क्लीन करेंगे, नेक को क्लीन करेंगे। पुट बैक द वॉश क्लोथ इन द स्मॉल बाउल प्रोवाइडेड, और पुट बैक, वापस उस क्लोथ को मतलब एक बाउल के अंदर पानी रखेंगे, उसको उसके अंदर डालेंगे, वापस उस क्लोथ को वॉश करेंगे एंड देन वापस यूज़ करेंगे। मेकिंग अ मिटन विद द वॉश क्लोथ, उसके बाद आएगा ड्राई द फेस विद द फेस टॉवल। उसके बाद हमने जो आर्टिकल्स काम में लिए थे उसमें हमने फेस टॉवल भी काम में लिया था, तो ड्राई द फेस, उससे हम अपना फेस मतलब पेशेंट का फेस ड्राई करेंगे फेस टॉवल से। तो ये सब आते हैं जो आर्टिकल्स के यूज़ क्या क्या थे, कि फेस टॉवल, सोप और इन सब का जो यूज़ है वो हमने बताया इसके अंदर। उसके बाद में आता है कि मेकिंग द मिटन विद द वॉश क्लोथ्स, इसकी इमेज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो इमेज है ये। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट एंड आर्टिकल्स, मतलब क्लाइंट की केयर के बाद हम आर्टिकल्स को वापस कैसे जमाएंगे, कैसे रखेंगे, ये सब कुछ। तो रिप्लेस द क्लाइंट पर्सनल क्लोथिंग, स्ट्रेटन द बेड लिनन, सबसे पहले हम क्लाइंट के जो पर्सनल क्लोथ्स होते हैं उनको रिप्लेस करेंगे जिन्हें हमने चेंज किया है। बेड की लिनन को स्ट्रेट करेंगे, मतलब उसमें से रिंकल्स को निकालेंगे। रिमूव द बाथ ब्लैंकेट एंड पुट इट फॉर वॉशिंग, जितनी जो बाथ ब्लैंकेट हमने यूज़ की थी उसको रिमूव करेंगे और उसको धोने के लिए यानी कि वॉशिंग के लिए भेजेंगे। चेंज द बेड लिनन इफ़ नीडेड, और बेड की लिनन यानी कि बेडशीट को चेंज करेंगे अगर ज़रूरत है तो। कट शॉर्ट द फिंगर नेल्स एंड द टॉय नेल्स, द नेल कटिंग शुड बी रिसीव्ड इन किडनी ट्रे, मतलब जितने भी जैसे नेल्स हो गए या फिर ब्लैंकेट हो गई या बेड लिनन हो गई या ऐसी चीज़ें हो गई जिनका हम यूज़ नहीं करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो नेल कटर है उससे हम नेल्स को कट करेंगे, नेल्स को कट करने के बाद जो कटिंग नेल्स है उसको हम किडनी ट्रे के अंदर डालेंगे। उसके बाद कॉम्ब द हेयर एंड अरेंज द हेयर, और बालों की केयर करेंगे, हेयर को कॉम्ब करेंगे और उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में या प्रॉपर तरीके से हेयर को अरेंज करेंगे।
और जितनी भी हेयर जो लॉस हुआ है और जो नेल कटिंग के अंदर जो नेल कट हुए हैं उनको हम किडनी ट्रे के अंदर डाल देंगे। पोजीशन द क्लाइंट फॉर कंफर्ट एंड प्रॉपर अलाइनमेंट। क्लाइंट को प्रॉपर पोजीशन देंगे और कंफर्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। कंफर्ट पोजीशन एंड प्रॉपर अलाइनमेंट। टेक ऑल आर्टिकल्स टू द यूटिलिटी रूम। जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको यूटिलिटी रूम्स के अंदर ले जाएंगे। डिसइनफेक्ट द बाथ बेसिन। बाथ बेसिन को हम डिसइनफेक्ट करेंगे एंड वॉश क्लोथ्स। जितने भी क्लोथ्स हमने यूज़ किए थे बेड बाथ के दौरान उन सबको वॉश करेंगे। सैंड द सॉइल्ड लिनन इन द लॉन्ड्री। और जो लिनन थी जो कि धूल मिट्टी से भरी हुई थी या जो इन्फेक्टेड लिनन थी जो। टेक ऑल आर्टिकल्स इन द यूटिलिटी रूम। डिसइनफेक्ट द बाथ बेसिन एंड वॉश क्लोथ। सैंड द सॉइल्ड लिनन इन द लॉन्ड्री। पुट बैक ऑल। इसके बाद हम बोलेंगे ऑल आर्टिकल इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर क्लीनिंग पर्सनल आर्टिकल आर प्लेस इन टू द बेड साइड टेबल। जितने भी आर्टिकल्स हैं जो क्लीनिंग के दौरान हमने यूज़ किए प्रॉपर प्लेस आफ्टर क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग के बाद हम उन्हें प्रॉपर उनके प्लेस पर रखेंगे। और वॉश हैंड एंड रिकॉर्ड द प्रोसीजर। हम हाथों को वॉश करेंगे अपने और प्रोसीजर को रिकॉर्ड करेंगे इन नर्स रिकॉर्ड के अंदर, नर्स रिकॉर्ड के अंदर विद टाइम। जी कौन से टाइम पे हमने बेड बाथ दी थी ये, एंड द टाइप ऑफ बाथ और कौन से टाइप की बाथ दी थी हमने वो। रिकॉर्ड एनी एबनॉर्मलिटीज़ ऑब्जर्व, मतलब जितनी भी हमने बेड बाथ के दौरान एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व की है उन सबको रिकॉर्ड करेंगे नर्सिंग रिकॉर्ड के अंदर। टेक द अपॉर्चुनिटी टू टीच द क्लाइंट और हिज रिलेटिव अबाउट पर्सनल हाइजीन, मतलब क्लाइंट और उसके रिलेटिव को पर्सनल हाइजीन के बारे में समझाएंगे, उसकी एजुकेशंस देंगे कैसे मेंटेन करना है ये सब कुछ बताएंगे।